अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5,600 किलोमीटर की लंबाई तक, सूडान के उत्तरी तथा एटलस पर्वत के दक्षिण 1,300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल सहारा डिजर्ट, भून देने वाली गर्मी, सुखा देने वाली हवाएं और लगभग अस्थायी सूखे ने इस धरती को एक नाम दिया है, मरुस्थल या मौत का इलाका। लेकिन इस रेगिस्तान में भरपूर जीवन है, कुदरत यहाँ बड़ी कामयाब नजर आती है। ये दुनिया के कुछ सबसे मजबूत और सबसे दुर्लभ जीवों का घर है। जिंदा बचे रहने के लिए काफी ज्यादा संघर्षपूर्ण जीवन, ये कोई साधारण डिजर्ट नहीं, ये है सहारा, जीता जगता रेगिस्तान। आज हम उन जानवरों की बात करेंगे जो इस विशाल रेगिस्तान में मुश्किल परिस्थितियों में सांस लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, डिजर्ट मॉनिटर। पूरी दुनिया भर में मॉनिटर्स की कई सारी प्रजाति पाई जाती है, जिनमें से एक डिजर्ट मॉनिटर भी है, जिसकी लंबाई 1 मीटर के आसपास होती है। वहीं इनकी शरीर की त्वचा इन्हें रेगिस्तान में गर्म इलाकों में ढलने में मदद करती है। हालांकि इनके त्वचा के अलावा इनके शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां भी पाई जाती है, जिनकी वजह से इन्हें पानी की कभी कमी नहीं खलती। 45 किलोमीटर पर आवर से दौड़ने वाली ये जीव भोजन की तलाश में कई किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर सकते हैं। हालांकि ये जीव ज्यादातर दिन के समय ही सक्रिय रहकर भोजन की तलाश करते हैं, लेकिन कई मामलों में ऐसा भी पाया गया है कि इन जीवों की शिकार की तलाश पूरी भी नहीं होती तो भी ये काफी लंबे समय तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। नंबर 6, डॉर्कस गजल। रेगिस्तान में रहने वाले ये हिरण दुनिया भर में पाए जाने वाले हिरणों में से सबसे छोटे हिरण की प्रजाति माने गए हैं। इनकी लंबाई 90 से 110 सेंटीमीटर हो सकती है, वहीं इसका वजन 15 से 20 केजी तक बढ़ सकता है। इन्हें खाने में पेड़ पत्तियों के साथ साथ फूल भी पसंद होते हैं। ज्यादातर रेगिस्तान में पाया जाने वाला जानवर पानी की कमी की वजह से फूल पत्तियों को ही खाते हैं, जिसे खाने के साथ साथ पानी की कमी भी पूर्ति हो जाती है। वैसे ये हिरण पूरी जिंदगी भर पानी पिए बिना ही जिंदा रह सकते हैं। इसकी उम्र 15 वर्ष के आसपास रहती है। ये हिरण अक्सर झुंड में ही रहते हैं और एक झुंड में 100 के आसपास सदस्य हो सकते हैं। नंबर 5, कैमल। सहारा डिजर्ट में पाया जाने वाला कैमल्स 10 से 11.5 फीट तक बढ़ सकते हैं, वहीं इसका वजन 400 किलो से लेकर 600 किलो तक हो सकता है। इस बड़े आकार के कैमल्स को खाने में अनाज पसंद होता है। इसके बाद एक दिन में इन सूखे बंजर रेगिस्तान में 32 किलोमीटर से ज्यादा चल सकते हैं। इसी वजह से इसको रेगिस्तान का जहाज नाम से जाना जाता है, और इतना चलने के बाद भी बिना खाए पिए हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। हालांकि इन सब खूबियों के बाद भी 17 साल या उनसे ज्यादा जिंदा रह सकते हैं। नंबर 4, डिजर्ट टॉर्टोइस। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में पाए जाने वाला ज्यादातर कछुए पानी के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, मगर ये डिजर्ट टॉर्टोइस रेगिस्तान के इलाकों में पाया जाता है, जो पानी पिए बिना 1 साल या उससे ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। हालांकि ये टॉर्टोइस पानी की तलाश में खुदाई करते हैं और इनकी यही तकनीक इन्हें गर्मी से निजात दिलाने में काम आती है। सहारा डिजर्ट में पाया जाने वाला टॉर्टोइस की उम्र 50 से 150 साल तक हो सकती है। वहीं ये टॉर्टोइस 4 से 6 इंच तक बढ़ सकते हैं, जबकि इसका वजन 0.5 से लेकर 5 केजी तक हो सकता है। इन कछुओं को खाने में घास के साथ साथ पत्तियां भी पसंद होती है। दिखने में ये कछुए ब्राउन और ग्रे कलर के होते हैं। रेगिस्तान में पाया जाने वाला ये कछुआ अपनी एक अलग पहचान रखता है। नंबर 3, डेथ टॉकर स्कॉर्पियन। सहारा डिजर्ट में पाया जाने वाला डेथ टॉकर स्कॉर्पियन दुनिया के सबसे जहरीले स्कॉर्पियन में से एक है, जिनमें खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है। मतलब अगर ये आपको एक बार डंक मार दे तो आपको वोमिटिंग से लेकर हेडेक तक की समस्या आ सकती है, और हो सकता है टाइम पर इलाज न मिलने से जान के भी लाले पड़ सकते हैं। सहारा डिजर्ट में पाए जाने वाले इन बिच्छुओं का रंग कुछ येलो कलर या हल्का ग्रीननेस होता है। इसके खाने में छोटे मोटे कीड़ों के साथ साथ पतंगे और झींगे भी पसंद होते हैं। वहीं लंबाई की बात की जाए तो ये स्कॉर्पियन 5.8 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है, जबकि इसकी उम्र 4 से लेकर 25 सालों तक हो सकती है। नंबर 2, गोल्डन मोल। अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाला ये जीव सुनहरे रंग के होते हैं, जो रेत के ऊपर चलने के साथ साथ रेत के भीतर भी छिपकर अपनी तेज रफ्तार बरकरार रख सकते हैं। इनको देखकर लगता है कि ये रेत के अंदर भी तैर सकते हैं। वैसे ये जीव की खोज 1825 के आसपास हुई थी। इन जीवों के शरीर पर सुनहरे रंग के बाल होते हैं, और ये बाल इतने ज्यादा बड़े होते हैं जिससे इसकी आंखें भी ढक जाती है। लेकिन इन जीवों की सुनने की क्षमता काफी तेज होती है, इसी वजह से रेत में होने वाली किसी भी हलचल को ये बहुत जल्दी ही पहचान लेते हैं।
जिसके बाद शिकार तक पहुंचकर उन पर हमला बोल देते हैं। वैसे ये जीव खतरनाक इसलिए भी है, रात के साथ साथ दिन के समय एक्टिव रहकर शिकार करते हैं। ये जीव 7.9 से लेकर 9.4 इंच तक बड़े हो सकते हैं। वहीं इसका वजन 538 ग्राम तक हो सकता है। इन जीवों को स्नेक के साथ साथ आउल से भी जान का खतरा बना रहता है। नंबर 1, साइड बिंडर स्नेक। सहारा डिजर्ट में रहने वाले जीवों की बात की जाए और साइड बिंडर स्नेक की बात ना हो ये तो असंभव है, क्योंकि ये सांप रेगिस्तान में रहने के साथ साथ दुनिया के सबसे जहरीले सांप भी है, जो किसी भी इंसान को जान से मारने की काबिलियत रखता है। वैसे सांप को हॉर्न वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। ये सांप जहरीले होने के साथ साथ 29 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भाग सकता है। जहाँ दूसरे सांप सामने की तरफ आगे बढ़ते हैं, वहीं ये सांप तिरछा भागता है। दूसरे रेतीले जीवों की तरह ये सांप भी रेत के नीचे छिपकर हमला करने के लिए जाना जाता है, जिसमें ये शरीर का पूरा हिस्सा रेत के भीतर छुपा लेता है और अपनी सिर्फ आंखें बाहर रखता है, जिसे अपनी शिकार पर नजर रखी जा सके। जैसे ही कोई शिकार सांप के करीब पहुंचता है, तुरंत ही ये सांप शिकार को जहरीले डंक मारने के बाद निगल जाता है। वैसे सांप को छिपकली और चूहे के साथ साथ छोटे जीव भी पसंद होते हैं। आप रेगिस्तान में पाया जाने वाले दूसरे जानवरों से तो बच सकते हैं, लेकिन इस सांप के काटे जाने से बचना आसान नहीं है। तो चलिए इसी के साथ साथ आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, अगर आप भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।